हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ट्रेंड्स। गर्मियां आते ही कुछ ठंडा खाने का मन किसका नहीं होता, और ऐसे में अगर ठंडी ठंडी कुल्फ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो वही कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है केसर पिस्ता मटका कुल्फ़ी। बेसिक इन्ग्रीडियंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली कुल्फ़ी। ये खाने में बहुत ही क्रीमी, मलाईदार और टेस्टी होती है। तो चलिए इस टेस्टी कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक बर्तन। इसमें 2 चम्मच डालेंगे पानी। ये पानी मैंने इसलिए डाला है कि जब दूध गर्म होगा तो जलेगा नहीं, इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और वो बर्तन से चिपकेगा भी नहीं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। अब दूध को भगोने में गर्म होने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर दूध को एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखिए दूध गर्म हो गया है, इसमें उबाल भी आ गया है, तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब दूध को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर आप वहीं खड़े होकर दूध गाढ़ा कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम रख सकते हैं, और आप अगर कोई दूसरा काम साथ में कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम को लो कर सकते हैं। धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करने पर दूध में सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, और जब इससे कुल्फ़ी बनाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होगा वो कम भी होता जाएगा। हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक वह गाढ़ा होकर हाफ रिड्यूस ना हो जाए और उसका टेक्सचर रबड़ी जैसा ना हो जाए, तभी तो बनेगी मलाईदार कुल्फी। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। अब देखिए साइड से मलाई आनी शुरू हो गई है, तो इस मलाई को भी हटाकर दूध में मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इस मलाई से ही दूध में क्रीमीनेस और गाढ़ापन आता है, तो इसे भी दूध में मिक्स करते जाना है। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और साइड से इस तरह से मलाई निकालते हुए मिक्स कर देंगे। अब देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो अब मैंने ली है 1/2 कप चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो इसे ज़्यादा डालें, क्योंकि ठंडी होने के बाद मीठापन कम ही महसूस होता है, तो चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें। चीनी को मेल्ट होने देंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे। अब चीनी भी घुल गई है और दूध गाढ़ा भी हो गया है, ये हाफ रिड्यूस हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे केसर। केसर के धागों को मैंने दूध में भिगोकर रखा है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप होममेड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को घर में बनाने की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से इसे घर पर बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क से कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये बिल्कुल मावा का काम करता है। इसके अलावा मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे बनाने का तरीका भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर, इसमें फ्लेवर लाने के लिए, और पिस्ता बादाम जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब दूध को थोड़ी देर और पका लेंगे। अब देखिए दूध गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर यह दूध और गाढ़ा हो जाएगा। मिश्रण ठंडा हो गया है। अब मैंने कुल्फ़ी बनाने के लिए मटके लिए हैं और लिए हैं आइसक्रीम कप। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें किसी भी बाउल में या डिस्पोजेबल गिलास में भी सेट कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके इन कप्स में भर देंगे और सभी मटकों में भी भर देंगे। इनके ऊपर से लगाएंगे ढक्कन। अगर आप गिलास में कुल्फ़ी बना रहे हैं तो उसके ऊपर एल्युमिनियम फाउल से कवर कर दें। मैंने एल्युमिनियम फाउल को इसके बराबर का काट लिया है। इस तरह इसे कवर कर देंगे। अब इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब कुल्फ़ी को फ्रीजर में रखे 7 घंटे हो चुके हैं। कुल्फ़ी तैयार हो गई है। ये देखिए, तैयार है हमारी केसर पिस्ता मटका कुल्फ़ी। इसे ऊपर से पिस्ता बादाम से गार्निश कर देंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।